हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम सीखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सपोज करो अगर जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, गिफ्ट है कोई भी क्यूब क्यूब के शेप में, हमें उसे रैप करना है। ठीक है, गिफ्ट रैप करना है तो जितनी भी शीट लगेगी इसे रैप करने में वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ये तुम्हारे पास एक रूम है, तुमको खाली इसकी वॉल्स को जो है वो पेंट करना है, फ्लोर तो पेंट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सीलिंग भी पेंट नहीं करनी है, खाली अगर हमें इसे वॉल्स का एरिया चाहिए तो क्या होगा, अगर वॉल्स के बारे में बात करें तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। दोनों में फर्क समझ में आ गया, जहां वह टोटल यूज हो रहा है वहां पे फ्लोर और सीलिंग भी होगी। ठीक है, जहां पे लेटरल वर्ड यूज हो रहा है वहां पे खाली वॉल्स होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं खाली सिर्फ सरफेस एरिया लिख के आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं, एक्सरसाइज अपनी करते हैं, तो हम आगे देखते रहते हैं क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। चलो मैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पे क्या है, यू हैव टू टेक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर और दूसरा है जिसका साइड है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका तुमको लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है 6s² फॉर अ क्यूब। अगर एक क्यूब है तो मैंने इसकी सारी साइड्स, चार तो दीवारें हो गई तो 4s², एक रूफ सीलिंग हो गई 5s², एक फ्लोर हो गया 6s², इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, समझ में आया। और लेटरल सरफेस क्या होगा, चार दीवारों का एरिया, तो ये हो जाएगा 4s². यहाँ पे s कितना है तुम्हारा, 7 है, तो रखो टोटल सरफेस एरिया का 6s², 6 × 7 का स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 6s² 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया वो होता है 4s², तो रखो 4s है 7 का स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहां बी पार्ट में देखो तुम्हारे पास यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, तो यूनिट के लिए मैंने क्या बताया था, टेबल MBHKMCD। ठीक है, ये वाला यहां पे ये मिलीमीटर सेंटी डेसी, ये मीटर डेका हेक्टो किलो। कैसे याद रखोगे, MDH मसाला होता है, के याद रखो, MCD एमसीडी डिपार्टमेंट होता है, MCD MDH के। यहां पे तुम्हारे पास 8 है डेसीमीटर, ठीक है, 5 है सेंटीमीटर, तो डेसी को सेंटीमीटर में कर लें तो अगर इधर चलते हैं तो हम एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 8 क्योंकि डेसीमीटर है, मुझे अगर सेंटीमीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक जीरो लगा दो तो हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो निकाल लोगे टोटल और लेटरल सरफेस एरिया। चलो लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, 4s², एस क्या है 85 का स्क्वायर। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया 4 से 6 से, टोटल सरफेस एरिया में 6 लगेगा ना क्योंकि छत और फ्लोर दोनों चीजें हैं। ठीक, ऐसे याद रखना, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4 3350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इजी था ना, सिंपल।